नरसिंहपुर जिले के तहसील मुख्यालय के तेंदुखेड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षिका और निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार मतदाता परिचय पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार मतदाता पर्ची के साथ परिचय पत्र भी अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत निःशुल्क मतदाता परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं। यदि किसी मतदाता का परिचय पत्र गुम हो गया है तो वह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक फॉर्म जमा कर अपना परिचय पत्र बनवा सकता है। यदि मतदाता के पास परिचय पत्र नहीं है तो वह मतदाता पर्ची के साथ 12 अन्य दस्तावेज ले जाकर मतदान कर सकता है। पर्ची के साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राष्ट्रीय मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पासपोर्ट आदि। इस चुनावी पाठशाला के कार्यक्रम में सहायक निर्वाचन अधिकारी आरएस राजपूत द्वारा एक शपथ दिलाई गई कि हम भारत के लोग लोकसभा चुनाव 2019 में बिना भय, डर, लोभ, लालच, जातिवाद को छोड़कर निर्भय होकर निष्पक्ष निर्भीक मतदान करवाएंगे। यदि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो वह निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज और कल, जो बीता हुआ कल था, अपन ने मतदाताओं की जागरूकता के लिए ये मतदाता चौपाल का आयोजन कर रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। इसमें यह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये निर्देश दिए हैं कि इपिक का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है, तभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। इसीलिए अभी इलेक्शन कमीशन ने निःशुल्क डुप्लीकेट इपिक बनाने की मुहिम चलाई है। 7 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 7 अप्रैल। तो जो मतदाता हैं जिनके ईपिक गुम गए हैं, वो फार्म 002 अपने बीएलओ को भर के दे सकता है और उसको डुप्लीकेट जो ईपिक है वो जारी हो जाएगा। यदि बाय चांस मतदान के दिन ईपिक फिर भी यदि उसके पास नहीं है तो 12 वैकल्पिक दस्तावेज हैं, उनका इस्तेमाल करके भी मताधिकार का प्रयोग वो कर सकता है। 12 दस्तावेजों में मोटे मोटे तौर से जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक की पासबुक है, श्रम मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के जारी कार्ड हैं, पासपोर्ट है और अपना पैन कार्ड है। इस तरह से 10-12 दस्तावेज हैं, उनका इस्तेमाल करके वो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बाय चांस नहीं ले जाता है तो फिर उस दिन मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये मुहिम चलाई है कि डुप्लीकेट अपना जिनके पास नहीं है वो बनवा लें। दूसरा उद्देश्य इसका ये है, इसका जो चौपाल अपन लगाए हैं, कि सभी को अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को दृष्टिगत, सभी को अपना निर्भीक होके और निष्पक्ष होके अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, ये इसका उद्देश्य है।